हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवकुश फिटनेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है जीएम न्यूट्रिशन वे प्रोटीन के बारे में। मैं इसका अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा, मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, तो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, और मैं आपको बताऊंगा इसका फ्लेवर कैसा है, इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, और फाइनली आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है जेन्युइन के बारे में, क्या ये सप्लीमेंट जेन्युइन है या नहीं। हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में और ये आपके सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप लोगों को फेक सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल रहते हैं, ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो एक आजकल तो इतनी अच्छी कॉपीज़ बनती हैं कि आपको रियल सप्लीमेंट्स और फेक सप्लीमेंट पहचानना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये जीएम न्यूट्रिशन की वेबसाइट से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। तो इसके हाई चांसेस हैं कि इसकी डुप्लीकेसी नहीं है और ये जेन्युइन सप्लीमेंट है। सो फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट हमारा होगा वे प्रोटीन टाइप। ये हमारा एक वे प्रोटीन आइसोलेट है। बेसिकली वे प्रोटीन तीन टाइप के होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जिसको रॉ वे प्रोटीन भी बोलते हैं, दूसरा आइसोलेट होता है, और तीसरा होता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसी का इंस्टेंट होता है। सो ये आपका एक आइसोलेट वे प्रोटीन है। तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, आपके 29 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है। तो ये आपका 86% बायो अवेलेबिलिटी है इस प्रोटीन की, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वे प्रोटीन आइसोलेट आप कब जब भी यूज़ करें, जब आप फैट लॉस पे हों। गेनिंग डाइट पे आप कॉन्सेंट्रेट या रॉ प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चीप होता है और आपका गेनिंग्स में आपको कैलरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, और फैट लॉस में जब आपको कम करना है तो आप कैलोरी काउंटिंग या अगर कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो फिर आपको ये हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट होगा हमारा फ्लेवर के बारे में। ये आपका है चॉकलेट फ्लेवर, इसका एक कॉफ़ी फ्लेवर भी आता है, मैंने वो यूज़ नहीं किया है, मैंने चॉकलेट यूज़ किया है। चॉकलेट जनरली हर ब्रांड में सबसे बेसिक फ्लेवर होता है जो सबको पसंद आता है। फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और आपको मतलब पोस्ट वर्कआउट जब आप पियोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ठंडे पानी में। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है हमारा मिक्सिबिलिटी के बारे में। मिक्सिबिलिटी इसकी अच्छी है, बशर्ते आप पानी अच्छा अमाउंट यूज़ करें। अगर बहुत कम पानी में आप घुलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से लम्स वगैरह नीचे बनते हैं, वरना फिर मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप पानी कम से कम 300 से 350 ml पानी यूज़ करें और इसको घुलाएं तो बहुत अच्छा घुल जाता है ये। सो फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में बहुत ही अच्छा डाइजेशन है इसका, क्योंकि ये वे प्रोटीन आइसोलेट है। तो आप वर्कआउट के जस्ट बाद लेंगे तो ये मतलब कोई भी पेट में ब्लोटिंग वगैरह नहीं करता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्राइस। प्राइस इसका है 5399 जो इसकी वेबसाइट पे है अवेलेबल, जो कि एक वे प्रोटीन आइसोलेट के लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। आप ऑन से कंपेयर करेंगे या कोई भी आइसोलेट से कंपेयर करेंगे 5 LBS के डब्बे को, तो लगभग इसका बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो आप इसको अगर आप आइसोलेट लेना चाहते हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा अगला पॉइंट है इसका रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनती। जी हाँ, ये सिर्फ एक ऐड ऑन होता है, सप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि आप उसको, डाइट अगर आपकी अच्छी है तभी ये काम करते हैं। अगर डाइट नहीं अच्छी है तो कोई भी सप्लीमेंट आप लीजिए, महंगा से महंगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इसके 2-3 डब्बे यूज़ कर चुके हैं 5 LBS के। तो वाइल मैं फैट लॉस कर रहा था तो मेरा फैट लॉस काफ़ी अच्छा हुआ था, मेरी मसल रिटेंशन थी उस टाइम, तो उस हिसाब से इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी सप्लीमेंट फ्रेंड्स आप लीजिए, अपनी आप डाइट पे मेन फोकस करिए, क्योंकि एक जस्ट एक ऐड ऑन है प्रोटीन का, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं डाइट से। 25 ग्राम इससे मिलता है, आप 6 अंडे अगर एक वाइट्स लेते हैं तो ये उसको इजीली रिप्लेस मतलब कर सकता है, क्योंकि इजी टू यूज़ होता है, इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है मेरा रिकमेंडेशन, मेरा खुद का। मैं इस प्रोटीन को हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप चाहे फैट लॉस कर रहे हो चाहे गेनिंग कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपकी डाइट अच्छी है तो। सो फ्रेंड्स, आप लोग में से कौन कौन प्रोटीन यूज़ करता है, अगर यूज़ करता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो था जीएम न्यूट्रिशन वे प्रोटीन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
स्टे होम स्टे सेफ टिल देन बाय।